ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 5500 ਅਧਿਆਪਕ इकट्ठे अस्तीफा देंगे वह भी मुख्यमंत्री भगवंत मान तीन दिन हूँ बसा बंद रहनगियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल के वलों पूरे पंजाब दे विच रोस मार्च कढ़े गए ने वह क्यों तुहानू सारी जानकारी देंगे पर सब तो पहला शुरुआत केंद्र सरकार तो करते हाँ केंद्र की मोदी सरकार के वलों लगातार हर एक चीज़ पर टैक्स लाया जा रहा है इतों तक कि खाण पीण वाली चीज़ों पर भी टैक्स जिमें कि आटा पर भी टैक्स ला दिता गया दुध दही पर भी टैक्स केंद्र सरकार के वलों ला दिता गया बीते दिन सोशल मीडिया से एक खबर वायरल हुई कि केंद्र सरकार के वलों हुण घरां दे किराए पर भी टैक्स ला दिता गया है जेकर कोई किराए के घर के विच रहिंदा है तो जिन्ना वह किराया दिंदा है उसके उपर 18% GST उसनू देना पवेगा हुण इसनू लैके केंद्र सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिता है केंद्र सरकार ने इत्थे जानकारी दिती है प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो दे फैक्ट चैक ट्विटर अकाउंट ते ये जानकारी दिती गई है कि यह खबर बिल्कुल गलत है जिहड़े लोग अपने निजी इस्तेमाल लई घर किराए ते लैके उत्थे रह रहे ने उन्हां नू GST नहीं देना पवेगा पर जेकर कोई घर नू किराए ते लैके उसका व्यापारक इस्तेमाल कर रहा है तो फिर उस व्यापारक तौर पर वरतण लई 18% GST देना पवेगा खबर ये कह के वायरल की जा रही सी कि भावें कोई भी रहिंदा होवे किराए ते घर लैके उसनू किराए ते 18% GST टैक्स देना पवेगा सरकार ने स्पष्ट कर दिता है कि निजी तौर पर रहने वाले लोगों को किराए ते GST नहीं देना पवेगा जेकर व्यापारक तौर पर इस्तेमाल करन दे लई घर नू किराए ते लिया गया है तो फिर GST जरूर देना पवेगा ये बिल्कुल स्पष्ट इत्थे केंद्र सरकार दे वल्लों कर दिता गया है एक होर मुद्दे ते केंद्र सरकार ने स्पष्ट करण दिता है सोशल मीडिया से कुछ खबर वायरल हो रही सन कि 15 अगस्त के आजादी दिहाड़े को लेके राशन डिपुआ के वलों यह शर्त रखी जा रही है कि तुहानू 20 रुपए का तिरंगा झंडा खरीदना पवेगा उस तो बाद ही तुहानू मुफ्त का सरकारी राशन डिपुआ तो मिलेगा गरीबों 20 रुपये दे के तिरंगा झंडा खरीदना पवेगा नहीं तो तुहानू सरकारी राशन नहीं मिलेगा अजिहियां खबर सोशल मीडिया से वायरल हो रही सन केंद्र सरकार दे वल्लों स्पष्टीकरण दे दिता गया है कि यह बिल्कुल झूठ है यह बिल्कुल फेक न्यूज़ है जाली खबरां ने केंद्र सरकार दे वल्लों अजिहा कोई भी फैसला नहीं किया गया निर्देश नहीं दिते गए यह बिल्कुल झूठ है कि राशन नहीं मिलेगा अजिहियां जाली और फेक खबरां तो बचना चाहिए है केंद्र सरकार ने इस तरीके नाल दो खबरां नूं लैके अपना पक्ष स्पष्ट कर दिता है अगे वधदे आ जेकर तिरंगे की गल की है तो 15 अगस्त को 75वां आज़ादी दिहाड़ा है और देश दे विच अमृत महोत्सव केंद्र सरकार दे वल्लों मनाया जा रहा है हुण इस नूं लैके पूरे भारत दे विच सियासत भी तेज़ होण लग पई है उत्तराखंड भाजपा के प्रधान महेंद्र भट्ट दे वल्लों एक अजिहा बयान दे दिता गया जिस नूं लैके हुण BJP घिरदी दिखाई दिंदी है महेंद्र भट्ट ने कहा कि हुण जदों नरेंद्र मोदी ने सारे देशवासियों नूं अपील की है कि 15 अगस्त वाले दिन आपू अपने घर की छत से तिरंगा लहराना है उसनू सल्यूट करना है सलाम करना है तो महेंद्र भट्ट ने कहा कि जेड़ा घर हुण तिरंगा नहीं लावेगा जिस घर के उपर तिरंगा झंडा नहीं लगा होएगा समाज उसनू फिर विश्वास दी नज़रों के नाल नहीं वेख सकेगा कि अजिहा किहड़ा घर है जिहड़ा कि देशभगत नहीं है जिहड़ा कि तिरंगे नूं अपनी छत ते नहीं ला रहा फिर उस ते विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा उन्होंने तो इतों तक कह दिता कि जिहड़ा भी अजिहा तिरंगे तो बगैर घर होवेगा उसकी फोटो खिंच के तुसी मैनू भेजो अगे भी उन्होंने वलों कई तरह की अजिही बयानबाजी की जा रही है विरोधी पार्टियां हुण घेर रही ने कि जबरदस्ती क्यों कर रहे हो विरोधी पार्टियां तो यह भी कह रही ने कि RSS के वलों भी किन्ने साल तक अपने दफ्तर से तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया सी पहला RSS नूं जाके कहो उस तो बाद ही अजिही बयानबाजी की जानी चाहिए है उधर
दूजे पासे जिहड़े देश दे कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हां दे वल्लों नरेंद्र मोदी नूं लै के भी एक बयान दे दिता गया है। कहिंदे ने 8 सालां दे विच नरेंद्र मोदी ने देश दे विच देश भगती दी भावना भर दिती है। 15 अगस्त वाले दिन जदों हर एक घर के उपर तिरंगा लहरावेगा तो दुनिया देश की ताकत न एकजुटता वेखेगी। नरेंद्र मोदी ने 8 सालों के देश के हर एक नागरिक के अंदर देश भगती की भावना पैदा कर दिती है। ये बहुत वधिया काम साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों किया गया है। इस तरीके 15 अगस्त को जिहड़ा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उस दे विच भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीआं तारीफां इत्थे भारतीय जनता पार्टी दे आगुआं दे वल्लों कीतियां जा रहियां ने। अगे वधदे आं, जेकर सियासत तिरंगे ते देश दे विच हो रही है तां पंजाब दे विच वी तिरंगे झंडे ते सियासत हुंदी दिखाई दिंदी है। एक पासे जिथे कांग्रेस पार्टी दे वल्लों पूरे पंजाब दे विच वख-वख जगह ते तिरंगा यात्रावां कढ़ियां जा रहियां ने, जिथे जिथे किते विधायक ने जां फिर साबका विधायक ने उहनां दी अगवाई दे विच तिरंगा यात्रा कढ़ियां जा रहियां ने। पंजाब कांग्रेस दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी पूरे पंजाब का दौरा कर रहे ने अते तिरंगा यात्रावां दी अगवाई उन्हां दे वल्लों कीती जा रही है। उधर दूजे पासे भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे प्रधान अश्विनी शर्मा दे वल्लों अपनी छत ते घर दी छत ते तिरंगा झंडा लहराया गया। पटियाला तो संसद मैंबर परनीत कौर दे वल्लों भी अपने घर दी छत ते तिरंगा झंडा लहराया गया है। गल जेकर पंजाब सरकार दी कीती जावे तां इस दे वल्लों भी कई अजिहे निर्देश कढ़े गए ने, लैटर जारी कीते गए ने जिस दे विच धक्के नाल तिरंगे झंडे वेचण दे हुक्म भी दिते गए ने। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों दीआं ड्यूटियां भी लाईआं गईआं ने कि तिरंगे झंडे वेचणे ने अते वध तों वध वेच के पैसे इकट्ठे करके इन्हां बैंक खातियां दे विच पाउणे ने। अजिहे कई लैटर सोशल मीडिया ते भी वायरल हो रहे ने। पंजाब सरकार दे वल्लों भी तिरंगा यात्रावां कढ़ियां जा रहीआं ने। कैबिनेट मंत्री इन्हां तिरंगा यात्रावां दी अगवाई करदे दिखाई दिंदे ने। गुरदासपुर दे विच कुलदीप सिंह धालीवाल दे वल्लों भी तिरंगा यात्रा दी अगवाई कीती गई है। अते हुण इंज जापदा है कि जिवें मुख्य मंत्री भगवंत मान की पत्नी भी सियासत दे विच आउण दी तैयारी कर रहे ने। धूरी दे विच पहुंचे डॉक्टर गुरप्रीत कौर, पुलिस की छां हेठ पंजाब पुलिस की सुरक्षा छतरी के हेठ उन्हां दे वल्लों तिरंगा यात्रा कढ़ी गई। पर इस मौके ये गल वेखण वाली रही कि बहुत वड्डी गिणती दे विच सैकड़ियां दी गिणती दे विच पुलिस मुलाजम इत्थे मुख मंत्री दी पत्नी अते भैण दे नाल दिखाई दिते। बहुत वड्डी गिणती दे विच सुरक्षा मुलाजम सन, भावें वह मर्द होण भावें वह महिला पुलिस मुलाजम होण, बहुत वड्डी गिणती दे विच पुलिस फोर्स इत्थे लाई गई सी। सोशल मीडिया से ये तस्वीर वायरल करके लोगों के वलों हुण मुख्यमंत्री भगवंत मान को यह सवाल पूछा जा रहा है कि तुहाडी भैण अते पत्नी नूं अजिहा किहड़ा खतरा है, उन्होंने अजिहा किहड़ा गलत काम कर दिता है जिस करके उन्होंने जान का खतरा हो गया है कि उन्होंने इन्नी सुरक्षा लेनी पै रही है। अजिहियां टिप्पणियां सोशल मीडिया से लोगों के वलों कीतियां जा रही ने। पर तिरंगा यात्रा कढ़ के वह भी धूरी दे विच जिथों के भगवंत मान विधायक बने ने उत्थे तिरंगा यात्रा कढ़ के डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने इन्हां चर्चावां नूं भी जन्म दे दिता है कि आने वाले दिनों दे विच उह सियासत दे विच भी सरगर्म हो सकते ने। जदों संगरूर की उप चोण होनी सी तां उन्हां दी भैण मनप्रीत कौर दे भी इत्थे पोस्टर लग गए सन, पूरी चर्चा सी कि उन्हां नूं ही टिकट मिलनी है। उस तों बाद विरोध नूं वेखदे आम आदमी पार्टी दे वल्लों गुरमेल सिंह घराचो नूं अपना उम्मीदवार बना दिता गया सी। पर हुण जापदा है कि मुख्यमंत्री दी पत्नी ने सियासत दे विच पैर धरन दा पूरा पूरा मन बना लिया है। हालांकि इस दे विच सच्चाई किन्नी कै ये तां आउण वाले दिनां दे विच ही पता लगेगा। अगे वधदे आं, मान सरकार दे वल्लों एक विधायक नूं एक ही पेंशन देंगे ये वादा कीता गया सी अते इस वादे नूं पंजाब दे विच हुण मान सरकार दे वल्लों लागू भी कर दिता गया है। पहलां हुंदा इंज सी कि एक विधायक जिन्नी वार भी MLA दी चोण जितदा सी उस दे विच हर वार दे पैसे ऐड हुंदे जांदे सन, भाव पेंशन वधदी जांदी सी। जिवें कि कोई 5 वार विधायक बणिया है तां उस नूं फिर 5 वार जिन्नी ही पेंशन मिलेगी। इस दे खिलाफ चोणां दे विच वी आम आदमी पार्टी दे वल्लों प्रचार कीता गया सी कि जेकर असीं जितदे हां तां एक विधायक नूं इको ही पेंशन मिलिया करेगी, भावें उह 5 वारी विधायक बणे भावें बणे 10 वार, पेंशन तां एक ही मिलेगी।
काफ़ी देर पहला आम आदमी पार्टी के वलों इस पास कर दिता गया सी पंजाब सरकार के वलों, पर राजपाल दे कोल एक कानून पिया सी अते हुण राजपाल बनवारी लाल पुरोहित दे वलों इस मंजूरी दे दिती गई है, जिस तों बाद पंजाब सरकार दे वलों इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया है। नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब है कि पंजाब दे विच एक कानून हुण लागू हो चुका है कि जिन्हें भी विधायक ने वो जिन्नी वार मर्जी विधायक बन जाण उन्हां नूं सिर्फ एक बार विधायक बनन दी ही पेंशन मिलेगी, अगे तों वी अते पिछले वी। इत्थे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी दित्ती कि 100 दे करीब अजिहे पहले विधायक सन जिन्हां नूं एक तों वध पेंशनां मिलदियां सन, हुण उन्हां नूं सिर्फ एक ही पेंशन मिलिया करेगी। हरपाल सिंह चीमा ने दावा किया कि करीब 20 करोड़ रुपए हर साल इस दे नाल बचणगे, 5 साल की साडी सरकार है, 100 करोड़ रुपए के करीब असी 5 साल दे विच इस तों बचा लेना है अते उस पैसे नूं लोकां दी भलाई ते खर्चांगे। आम आदमी पार्टी दे वल्लों इह दावा इत्थे पंजाब सरकार दे वल्लों इह दावा किया गया है। अगे वधदे हां गल मशहूरियां दी कर लैंदे हां। आम आदमी पार्टी दे वल्लों पंजाब दे लोकां दा दिल जित्तण दे लई एक नवां तरीका कढ लिया गया है। जदों नवीं नवीं सरकार पंजाब दे विच बनी सी तां फ्रंट पेज ते अखबारां दे विच करोड़ां रुपए दे इश्तिहार मान सरकार दे वल्लों दित्ते गए सन। किरकिरी होई, नाम पै गया मशहूरियां वाली सरकार, कोई कहण लग पिया कि इह ऐलानवंत सिंह मान है। उस तों बाद आम आदमी पार्टी दे वल्लों एक नवां तरीका कढ़िया गया। विरोधी पार्टियां हुण इह इल्जाम ला रहियां ने कि वख-वख अखबारां दे विच फुल पेज इश्तिहार अजे भी मान सरकार दे वल्लों दित्ते जा रहे ने, पर उसदा तरीका बदल दिता गया। इंज जापदा है ये, जेकर तुसी अखबार दा ये पेज वेखो तां तुहानू इंज लगेगा कि जिवें ये खबरां ही ने, पर जेकर तुसी ध्यान नाल इन्हां खबरां नूं पढ़ो तां सारियां ही एक मुद्दे दे नाल जुड़ियां होईयां ने अते सब दे विच ही मान सरकार दीआं तरीफां कीतीआं गईआं ने। इस पेज दे अखीर दे विच लिखिआ गिआ एक साइड ते बिल्कुल कोने दे विच इश्तिहार। उस तों बाद वी रौला पै गिआ कि ये की गल बणी, मान सरकार तां लोकां दे नाल धोखा कर रही है, लगता इंज है खबरां ने, पर पैसा फूक के ये तो अपनी मशहूरी करवा रहे ने। हुण मान सरकार ने एक होर नवा तरीका लभ लिया है। इत्थे प्रगट सिंह दे वल्लों अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज ते अखबारां दीआं फोटोआं पाईआं गईआं, जिस दे विच फुल पेज इश्तिहार इत्थे दित्ते गए ने आम आदमी पार्टी दे वल्लों, पर इत्थे इश्तिहार दी जगह होर होर शब्द वरते गए ने जिन्हां बारे आम लोकां नूं जानकारी नहीं है, जिवें कि एडवटोरीअल शब्द वरत्या गया, जिवें कि इत्थे शब्द वरत्या गया मीडिया इनिशिएटिव, इन्हां बारे लोकां नूं जानकारी नहीं है, पर इन्हां सब दा मतलब यह है कि यह मशहूरी है, यह कोई खबरां नहीं, यह पैसे दे के अखबार दा यह पेज खरीदिया गया है। अते प्रगट सिंह कह रहे ने कि मान सरकार वेखो लोकां नूं मूर्ख बनाउण दी कोशिश कर रही है, लोकां दा ही पैसा खर्च के लोकां नूं ही मूर्ख बनाउण दी कोशिश आम आदमी पार्टी दे वल्लों कीती जा रही है। दिल्ली दे लोक, आम आदमी पार्टी दे जिहड़े दिल्ली दे लोक ने, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਰਨਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। 5500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ 36,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, 36,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
भगवंत मान दे वल्लों झंडा लहराया जाना है अते उत्थे पहुंच के असी 5500 अध्यापक मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं अस्तीफे सौंप देवांगे क्योंकि घर दा गुजारा साडा नहीं चल रहा है अते जदों वादा कीता है तां वादा तां फिर पूरा कीता ही जाना चाहीदा है। इत्थे काफी ज्यादा गुस्से दे विच इह अध्यापक दिखाई दिंदे ने कि साडे नाल कीता गया वादा क्यों पूरा नहीं कीता पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। अगे वधदे आ, तीन दिन पंजाब दे विच PRTC अते पनबस बसां बंद रहणगियां। दरअसल पनबस अते PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर मुलाजम यूनियन दे वल्लों ऐलान कीता गया सी कि 14, 15 अते 16 अगस्त नूं तीन दिन बसां बंद रखांगे जेकर साडियां मंगां पंजाब सरकार दे वल्लों ना मन्नियां गईयां अते मंगां नहीं मन्नियां गईयां अते हुण उन्हां दे वल्लों तीन दिन बसां दी हड़ताल करन दा ऐलान कर दिता गया है। इस तों पहलां जिहड़े बस अड्डे ने पंजाब दे विच उन्हां नूं 2 घंटियां दे लई बंद करके रोस प्रदर्शन वर्करां दे वल्लों कीता गया सी बसां वालियां दे वल्लों कीता गया सी अते हुण 3 दिन पंजाब दे विच बसां बंद रहणगियां जिस दे नाल आम लोकां नूं भी मुश्किलां दा सामना करना पै सकदा है क्योंकि बहुत वड्डी गिणती दे विच इत्थे पनबस अते PRTC दे कच्चे मुलाजम ने जिन्हां दे वल्लों हड़ताल दा ऐलान कीता गया है। इसदा मतलब है कि पंजाब दे विच वड्डी गिणती दे विच 3 दिन बसां नहीं चलणगियां। मंगां मुख तौर ते उही ने जो वादे कीते सन चोणां तों पहलां उह अजे तक वफा नहीं होए उन्होंने वफा होने का इंतजार इन्हां कच्चे मुलाजमान दे वल्लों कीता जा रहा है जिवें कि कच्चियां नूं पक्के करांगे तनखाहां दे विच वादा भी कीता जाएगा होर भी जिहड़ियां जिहड़ियां मंगां इन्होंने चुनाव तों पहलां रखियां सन उन्हां बारे वादा कीता सी कि पूरियां कर देवांगे सरकार बनन तों बाद मंगां पूरियां नहीं हो रहियां अते हुण 14, 15 अते 16 अगस्त नूं PRTC अते पनबस दीआं बसां पूरे पंजाब दे विच बंद रहणगियां। अगली खबर दे वल वधदे आ, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों पंजाब दे वख-वख जिलियां दे विच रोस मार्च कड्डे गए ने। DC दफ्तरां दे विच जाके मंग पत्र दित्ते गए ने। अमृतसर दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे दफ्तर तों लै के DC दफ्तर तक एक रोस मार्च SGPC दे वल्लों कढ़िया गया जिस दी अगवाई खुद SGPC दे प्रधान हरजिंदर सिंह धामी दे वल्लों कीती गई। इह रोस प्रदर्शन रोस मार्च इसलिए कीते गए क्योंकि बंदी सिंघां दी रिहाई दी मंग अकाली दल अते SGPC दे वल्लों कीती जा रही है। हरजिंदर धामी कहिंदे ने कि 80% तों वध कुरबानियां आजादी दे विच सिखां ने कीतियां इस लई अजे तक साडी गल नहीं सुनी गई है सुनी जानी चाहीदी है। जदके प्रधानमंत्री ने वादा भी कीता सी कि बंदी सिंघां नूं रिहा करांगे पर वो वादा अजे तक वफा नहीं हो रहा। जिहड़े कैदी सिख अपनियां सजावां पूरियां कर चुके ने उन्हां नूं छड्ड देना चाहीदा है रिहा कर देना चाहीदा है क्योंकि कानून भी यही कहिंदा है। अकाली दल दे वल्लों भी रोस मार्च कढ़े गए अकाली दल भी लगातार बंदी सिंघां दी रिहाई दी मंग करदा दिखाई दिंदा है पर गल जेकर विरोधियां दी करिए जिहड़े कि साबका उप मुख्यमंत्री पंजाब सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उन्हां ने सुखबीर सिंह बादल नूं इक चैलेंज कीता है कहिंदे ने हुण बंदी सिंघां दी रिहाई मंगदे फिरदे हो 10 साल तुहाडी सरकार रही है उह सूची जारी करो जिहड़ी कि तुसीं 10 सालां दे विच बंदी सिंघ रिहा कीते ने उन्हां बंदी सिंघां दी सूची जारी करो। कहिंदे ने मैं दसदा जदों साडी सरकार रही है हुण 5 साल असीं 7 बंदी सिख छड्डे ने तुसीं 10 सालां दे विच किन्ने बंदी सिंह छड्डे ने उह वी सूची तुहानूं जारी करनी चाहीदी है। पखंड करदे हो सियासत करदे हो हुण बंदी सिंघां दा चेता आ गया है कामयाब नहीं होवोगे तुहाडी सियासत नहीं चलनी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा दे वल्लों इह खरियां खरियां इत्थे अकाली दल नूं सुणा दित्तियां गईयां ने। अगे वधदे आ, श्री मुक्तसर साहिब दे कई अजिहे पिंड ने जिहड़े कि बरसातां तों बाद अजे वी पाणी दे विच डुब्बे होए ने। उन्हां पिंडां दा दौरा करन दे लई भुलाह तों कांग्रेसी विधायक सुखपाल सिंह खैरा पहुंचे। कई पिंडां दे विच ओह गए जिवें कि पिंड भागसर लखमीरियाणा इस तों इलावा मिड्ढा पिंड दे विच वी सुखपाल सिंह खैरा पहुंचे अते उत्थे जा के उन्हां ने लोकां दे नाल गल्लबात भी कीती अते गल्लबात करन तों बाद उन्हां ने पंजाब सरकार दे अगे इह मंग रखी है कि
पंजाब सरकार नूं 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा इन्हां किसानां नूं देना चाहिए है, क्योंकि इन्हां दी लगभग सारी ही फसल तबाह हो चुकी है। ज़्यादा गिरदावरी भी नहीं करवानी पैनी है, क्योंकि जदों सारी तबाह हो गई है फिर ज़्यादा गिरदावरी की लोड़ भी नहीं पैंदी है। छेती तो छेती मुआवजा दिता जाना चाहिए है। हर एक बरसात यही हाल हो जाता है इन्हां पिंडां दा, इसका भी पक्का हल करना चाहिए है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की परख की घड़ी आ गई है, क्योंकि वह कहें कि असी आम लोग हाँ, हूँ फिर आम लोगों की बांह भगवंत मान को फड़नी चाहिए है। इस तो इलावा उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी अपील की है कि तुम चोणों तो पहला क्या कि किसान खुदकुशी नहीं कर देंगे अप्रैल के महीने तो बाद, पर अजे भी खुदकुशियां हो ही जांदियां ने। किसान बारे तुहानू कोई नीति बनानी चाहिए है, पंजाब दे विच लागू करनी चाहिए है, तां जो किसानां दी हालत नूं सुधारिया जा सके। ये मंगा सुखपाल सिंह खहरा दे वल्लों इत्थे रख दित्तियां गईयां ने मान सरकार दे अगे अते अरविंद केजरीवाल दे अगे। ये सन कुछ वो खबर जो तुहाडे लई जाणनियां तुहाडे तक पहुँचाउणियां बहुत जरूरी सन। इन्हां खबरों में किसी खबर बारे जां फिर साडे इस शो पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाडी कोई भी राय जां सुझाव है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, फेसबुक ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा। तुसीं देखदे रहो पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।